राजगढ़ कस्बे के नवी बक्स का बाग स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर स्थित होने के कारण गत सत्र से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। वहीं राज्य सरकार को इस संबंध में बार बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। विद्यालय भवन को संबंधित अधिकारी ने जर्जर घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जर्जर भवन को मतदान केंद्र भी बनाया गया था। एक तरफ भवन का जर्जर होना एवं दूसरी ओर विद्यालय में स्टाफ की कमी है, जिससे विद्यालय में नामांकन में भी कमी होती नजर आ रही है। गत सत्र करीब 70 नामांकन थे, लेकिन इस सत्र घटकर 60 ही नामांकन रह गए हैं। कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिर्फ 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनमें एक शिक्षिका है जो प्रधानाध्यापिका का भी कार्य करती है, वह एक शिक्षक है। इस संबंध में शिक्षक राम नरेश मीणा ने बताया कि विद्यालय का जो भवन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वह जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं जो कभी भी गिर सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए समीप ही ख्वास जी का बाग में किराए के भवन में विद्यालय संचालित है, जिसमें 2 छोटे छोटे कमरे हैं, वे एक बरामदा व एक चौक है, जिसमें एक ही जगह बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसमें बच्चों को गर्मियों में पढ़ाई नहीं हो पाती है। विभागीय अधिकारियों ने विद्यालय भवन में बच्चों को ना बैठाकर अन्यत्र किराए के भवन में संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है। CBEO रामगोपाल मीणा ने बताया कि नवी बक्ष का बाग में विद्यालय भवन के जर्जर होने को देखते हुए पास ही किराए के भवन में संचालित किया हुआ है। नवी बक्स स्कूल में जो भवन है उसकी स्थिति को देखते हुए बच्चों के अध्ययन के लिए हमने पास में एक भवन किराए के रूप में लेते हुए विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए व्यवस्था कर दी है, और विभाग द्वारा नए भवन बनवाने का आश्वासन नियमानुसार दिया गया है। भवन बनने में हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन तब तक हम बच्चों के भविष्य के साथ में अधिकतम से अधिकतम तालमेल बैठा के उनके भविष्य के साथ में किराए की बिल्डिंग में बैठा करके उनका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से जारी रखना शुरू कर दिया। मैं राहुल सेना UPS नवी वक्त राजगढ़। हमारी स्कूल का ये जो भवन है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये कमरे इधर तीनों चारों कमरे ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो हमको इससे खतरा है, कभी भी ये गिर सकते हैं। तो हमने इसकी ये बरसात की हालत को देखते हुए, इनकी कंडीशन को देखते हुए, और हमने एक किराए के भवन में विद्यालय चला रहे हैं कक्षा 1 से 8 तक। उसमें 3 कमरे हैं और छोटे छोटे से वो कमरे हैं। अब क्या लाइट कभी आती नहीं आती, बच्चे वैसे गर्मी मरते हैं वहाँ पे, तो थोड़ी सी जगह है। क्या शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर दिया भवन को? हाँ, शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर दिया इसको, और हमको पहले ही मना कर दिया यहाँ बैठा नहीं, यहाँ ध्यान मत देता, जमीन दोज करने का आदेश होगी। हाँ, जमीन दोज क्या किराए के भवन में इसको बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, हमको आदेशित कर रखा भी कि आप यहाँ मत बिठाइए इनको, और किराए का कहीं भी किराए पर लेके और इसको विद्यालय को संचालित करो। कब से चल रहे किराए के भवन? सर मैं क्या, मैं आदेश, मैं जब से आया हूँ मैंने वहीं देखा, मैं आया हूँ करीब सितम्बर के आसपास, सितम्बर से होता है वहीं चल रहा है। नवी बक्स का बाग जो स्कूल था अपना पूरा जर्जर घोषित हो चुका है। हाँ, जो लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ था, मार्च में, अप्रैल 2023 किराए के भवन को संचालित है जी। तो ये दरार है ना, रूट 7-8 दरार है ना जी, प्लान में दरार है, प्लान में समझा सकते हैं, लेकिन जैसा अभी करंट में लास्ट और प्रस्ताव मांगे उसमें भी ये कब तक हो जाएगा काम? भाई धीरे बोल, कब तक हो जाएगा? हमारे द्वारा तो केवल प्रस्ताव भिजवाया जाता है, बाकी टेंशन वगैरह में भी पावर है वो अपने। तो विगत 1 साल से दिक्कत आ रही है 2023 से, फिर हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो हमारे स्तर से की जा सकती है।